सारण जिले का पहला सूर्य मंदिर गरखा प्रखंड में स्थित है। कोठिया नराव में स्थित यह सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक गरिमा से परिपूर्ण है। लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर इस मंदिर की श्री विधि होती है और राज्य के विभिन्न जिले से छठ व्रती यहाँ अर्घ प्रदान करने पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सूर्य देव को काफ़ी जागृत बताते हैं। नराव पंचायत के नारायण डी से दक्षिण में स्थित यह मंदिर जो प्राकृतिक वृक्षों के अनुपम श्रृंगार से चारों तरफ से आच्छादित है, सूर्य मंदिर रमणीक वातावरण और स्वस्थ माहौल के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। मंदिर परिसर के चारों ओर से विशालकाय पौधों पुष्प के क्यारियों से आच्छादित है जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बिहार समेत अन्य राज्यों में प्रसिद्ध है। छठ व्रत करने के लिए आसपास के गांव के अलावा जिला के विभिन्न गांवों के साथ अन्य जिलों और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से छठ व्रती आते हैं। गरखा सूर्य मंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह सूर्य मंदिर अपनी भव्यता के लिए उत्तर बिहार में प्रसिद्ध है। प्रतिमा की यहाँ इस मंदिर की प्रतिमा की ऊंचाई 45 फीट लंबी है जो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। सूर्य देवता का रथ के आकार में बनाया गया यह सूर्य मंदिर छठ व्रतियों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। पूरे बिहार के साथ देश में इसकी भव्यता का मंदिर कोई दूसरा नहीं है। गंडक नदी के किनारे पर बना यह सूर्य मंदिर सूर्य देव के रूप में निर्मित, इसमें 7 घोड़े से खींचे जाते हैं। सूर्य देव के रूप में दिखाया गया यह सूर्य मंदिर सूर्य को खींचने के लिए उनके साथ जोते हुए घोड़े, पश्चिम की ओर से जाते हुए 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन के प्रतीक है और सब भगवान सूर्य की प्रतिमा मंदिर की भव्यता प्रस्तुत करती है। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। 5,000 से ज़्यादा छठ व्रती यहाँ अर्घ देने के लिए आते हैं। छठ के समय इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। मंदिर का नींव 2013 में संत श्रीधर दास जी महाराज ने दिया था। वर्ष 2015 में ग्रामीणों के सहयोग से मार्कंडे महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसी क्रम में 28 मई को श्रीधर दास जी महाराज के नेतृत्व में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से यह मंदिर का महत्व विश्व में फैल रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ पूर्व बिहार में धर्मेंद्र कुमार सारण।